और बिखानू और सुनाओ कहा हो रहा है बहुत मजे आ रहे होंगे घर में पड़े पड़े ना कोई काम ना धंधा चुपचाप पड़े रहो खटिया तोड़ो बैठ के अब कहा का, का मजा यार दिमाग खराब हो गया यार दो दिन से बारिश हो जा रही है बारिश ही जा रही है, हो ही जा रही है। खुली नहीं रहा है बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल हो गया यार दो दिन हो गया घर से बाहर निकले हुए बैठे बैठे लेटे लेटे ऐसा लगता है छूतर में पोड़ा निकलने वाला है सही तो है हमको तो बहुत मजा आ रहा है यार दो दिन से बारिश हो रहा है बाहर नहीं निकल रहे हैं घर में बैठे बैठे चाय पकौड़ा खा रहे हैं और क्या चाहिए हमको तो बहुत मजा आ रहा है हाँ तो तुम ही लेडीज़ हमेशा लेडीजों की तरह घर में घुसे रहते हो तो तुमको तो मजा आएगा ही हमको नहीं मजा आ रहा, रहा है यार हम पक गए एकदम दिमाग खराब हो गया घर में पड़े पड़े हमारा सही कह रहे हो यार हमारा भी एकदम मूड खराब हो गया है बताओ यार बाहर में गए हुए दो दिन हो गए हमारे लिए तो बहुत मजा आया भाई हम तो चाहते हैं कि चार दस दिन ना ऐसे ही बरसते रह रहे एको दिन ना खुले कोई घर से बाहर ना जाए सब घर में पड़े रहे यार बहुत मजा आ रहा है हमको हमे कहते गजब पागल आदमी है यार इधर लोगों का दिमाग खराब हो रहा है बैठे बैठे घर में तू दस बारह दिन बारिश करा रहा है लाद खाएगा का लात का हमको किसकी हिम्मत है इतनी हमारी हिम्मत है हमारी थपड़ी की समझे और सिलेंडर पर बैठे हो ना दिमाग खराब होगा सिलेंडर उठा पटक देंगे उड़िया जाओगे सिलेंडर के साथ आसमान में चले जाओगे फटके। <laughs> अभी हम दादा को बुलाएंगे यार तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो यार जितना जल्दी गुस्सा होते हो उतना जल्दी हाथ चला देते हो यार थप्पड़ मारने की कौन जरूरत थी अभी दादा आ जाएंगे सारा मजा खराब हो जाएगा बाहर जा नहीं पा रहे हैं घर में आके वो पकाएंगे दिमाग वैसे खा हो जाएगा पूरा अभी हम क्या करें यार दिमाग तो खराब यही है उप ये दिमाग खराब कर तो रहा है तो करें कहीं का कह रहा है कि दस बारह दिन बारिश हो जाए परसों का कपड़ा धुले अभी तक सूखा नहीं है और दस बारह दिन बारिश हो जाएगी तो पहनेंगे काम नंगे रहेंगे कहा अरे नहीं बिकानू नंगे कह रहे हो गए यार हम लुंगी ले लेना हमारे पास एक फटी हुई लुंगी है वही पहन लेना अगर कपड़े नहीं सूखे तो अच्छा अब हमारे ही दिन आ गए तुम्हारी फटी हुई लुंगी पहनेंगे हम छुट्टिया समझे काम को अरे भाई मजबूरी में तो गधे को बाप बनाना पड़ता है तुम्हें तो बस लुंगी ही पहननी है फटी हुई यानी तुम गधा हो मिसाल दे रहे हो कि गधे को बाप बनाना पड़ता है मतलब तुम गधा हो और हमको आपको, आपको बाप बनाना पड़ेगा यही ना अरे नहीं यार बिकानू तुम तो बहुत पागल आदमी हो यार बात 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 तो गुस्सा हो हो जाते हो, बात समझते नहीं हो मतलब एक मिसाल थी कि गधे को बाप बनाना पड़ता है मतलब मजबूरी में फटी हुई लुंगी पहन सकते हो यार ये कहने का मतलब है हमारा अरे तुम तो गधे के आगे बीम बजा रहे हो यार महेश के आगे बीम बजाते तो कुछ समझ भी आती लेकिन गधे के आगे बीम बजा रहे हो गधा कहा समझेगा गधा किसको बोल रहे हो वे गा ग्राह किस बोल रहे हो तुम तुम क्या बोल रहे हैं तुमका और किसका बोलेंगे बारिश ने अलग दिमाग खराब किया हुआ था बता रहे हैं अब एक बार के देखो दे खिलाफ अरे बिखानू यार तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो भाई तुरंत हाथ पैर चलाने लगते हो यार अच्छी बात थोड़ी बेचारे को मार दिया दिमाग तो हमारा भी बहुत खराब है यार दो दिन से हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया बारिश की वजह से लाइट नहीं रुक रही है यार बिना मोबाइल के दिमाग खराब हो गए इधर आईपीएल चल रहा है मैच भी नहीं देख पा रहे हैं लेकिन इसका काम कर रहे हम सबको पीटते फिरेंगे हम जा रहे हैं अपने अम्मा को भेजेंगे झाड़ू लेके भेजेंगे उनका उन जाएंगे इनको बिखा दू कहीं का अभी अपनी अम्मा को भेजो चाहे अपने अब्बा को भेजो चाहे अपने दादा को भेजो चाहे दादा को भेजो हम किसी घर से थोड़ी है जल्दी देखते हैं कौन का लेता हमारा अभी देखो बारिश और काका करा के मानेगी बाहर जाने नहीं दे रही है घर में बैठे तो झगड़ा लफड़ा हो जा रहा है हमारा तो मोबाइल चार्ज नहीं है नहीं तो बैठ के कार्टून जगह देख के अच्छा खाता टाइम पास हो जाता आप लोगों का मोबाइल चार्ज है तो पूरा वीडियो देखो हमारे चैनल पे जाकर कार्टून जगत और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अब कद सब्सक्राइब नहीं होता है अबे सब्सक्राइब होता है बोलने का ढंग नहीं है बताने चले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब नहीं भाई लोग सब्सक्राइब मत करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हम लोग आए तो पता चल जाए क्योंकि अगली वीडियो इसी टॉपिक पे आने वाली है बारिश दो दिन से हो रही है अगर कल भी बारिश होगी दूसरा वीडियो आ जाएगा कल देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ कार्टून जगत पे बाय बाय फिर मिलेंगे